हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल NK फार्मेसी नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, आज मैं फार्मेसी के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रिमेडियल बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, पौधों के फूलों की आकृति विज्ञान। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए NK फार्मेसी नॉलेज चैनल के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए, वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, जिससे कि आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। जी हाँ दोस्तों, मैं फार्मेसी से रिलेटेड हर सब्जेक्ट्स का टॉपिक वाइज वीडियो आपको प्रोवाइड्स कराता रहूँगा, और मेरी यही कोशिश है कि शॉर्ट से शॉर्ट में मैं सारे टॉपिक्स आपको कवर करा सकूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, पौधों के फूल की आकृति विज्ञान। जानते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है। जैसा कि आप दोस्तों मेरी वीडियो में मेरे चार्ट पेपर पे देख पा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्लांट्स आर यूनिक यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैविंग मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनल्स विद इन ए सेल। ग्रीन कलर ऑफ प्लांट इज ड्यू टू द क्लोरोफिल पिगमेंट। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, प्लांट्स एब्जॉर्ब सनलाइट टू कन्वर्ट वाटर एंड CO2 इंटू सुगर कार्बोहाइड्रेट्स। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी एंड दस प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो दोस्तों ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया इंग्लिश में। आइए दोस्तों देखते हैं हम हिंदी में इसका क्या है अनुवाद, उसको जानते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं वीडियोज़ में लिखा हुआ हिंदी ट्रांसलेटन करके मैंने लिख दिया है, उसको पढ़ते हैं समझते हैं उसको क्या हिंदी का इसका मतलब है। तो दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है कुछ इस तरह से, पौधे अद्वितीय यूकैरियोटिक जीव हैं जिनमें झिल्ली घिरा हुआ नाभिक और कोशिका के भीतर अन्य अंग होते हैं। पौधों का हरा रंग क्लोरोफिल वर्ण के कारण होता है। ये आप सभी लोग सभी दोस्त जानते हैं ये क्या होता है, हरा कलर क्यों होता है पौधों में, क्लोरोफिल के कारण होता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे सूरज की रोशनी को अवशोषित करते हैं ताकि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जा सके। इस प्रक्रिया के दौरान पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं और इस तरह अपना भोजन तैयार करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हो गया। इंट्रोडक्शन मैंने आपको इंग्लिश में बता दिया और इसका हिंदी ट्रांसलेट भी आपको बता दिया। जैसा कि दोस्तों आप रिमेडियल बायोलॉजी के पास में अंडर सर्किल 1 लिखा हुआ देख रहे हैं, तो ये दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड मेरा पहला वीडियोज़ है। और दोस्तों आप जुड़े रहेंगे हमेशा के लिए, तो दोस्तों आपको मैं इससे रिलेटेड आगे वीडियो पार्ट बाय पार्ट प्रोवाइड्स कराऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि ये अच्छी कोई भी अच्छी जानकारी दोस्तों आपके रिलेटिव्स आपके मित्रों से मिस ना हो, उनको भी शेयर कीजिए। और आपके जो भी फार्मेसी रिलेटेड स्टूडेंट जो जितने भी फ्रेंड्स हैं जो भी रिलेटिव्स हैं सबको ये शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी इससे कुछ सीख सकें। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अगले पार्ट्स अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।